दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे पांच ऐसे दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों के बारे में जो जेल भी जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी जो किसी न किसी कारण से जेल जा चुके हैं। हमारा मकसद किसी खिलाड़ी की छवि खराब करना नहीं है, ना ही हम अपनी ओर से उन पर कोई आरोप लगा रहे हैं। जो केस मीडिया और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे और ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हमारा पहला नाम है अमित मिश्रा का। दोस्तों अमित मिश्रा को आप सभी जानते होंगे। मशहूर स्पिनर गेंदबाज अमित मिश्रा पर 2015 में एक महिला से मारपीट करने का आरोप लगा था, जिसके बाद अमित मिश्रा को बेंगलोर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि अमित मिश्रा पर एक महिला फिल्म प्रोड्यूसर ने छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और बुरा व्यवहार करने का आरोप भी लगाया था। उस महिला ने अमित मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज भी करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने अमित मिश्रा को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ भी की थी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। बाद में यह केस ठंडा पड़ गया था। अब बात करते हैं विनोद कांबली की। जी हाँ दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली पर भी आरोप लग चुके हैं और उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि विनोद कांबली काफ़ी गुस्सैल किस्म के व्यक्ति हैं, जो अपने क्रिकेट के दिनों में भी काफ़ी विवादों में रहते थे। दोस्तों आपको बता दें कि विनोद कांबली पर दो बड़े आरोप लगे हैं, जिसमें एक विनोद कांबली पर मुंबई के बांद्रा स्थित अपनी आवासीय सोसाइटी के गेट पर कार से टक्कर मारने का आरोप लगा है, जिस आरोप के चलते पुलिस ने उन्हें 27 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। विनोद कांबली पर दूसरा आरोप एक गंभीर आरोप था, जो 2015 में उनकी ही नौकरानी ने गलत व्यवहार के चलते उन पर लगाया था, जिसमें ये आरोप था कि विनोद कांबली और उनकी पत्नी ने मिलकर नौकरानी को 3 दिन तक अपने घर में बंधक बनाया और उसके साथ मारपीट भी की, क्योंकि नौकरानी ने अपने काम के पैसे मांगे थे। इस मामले में विनोद और उनकी पत्नी पर FIR दर्ज भी हुई थी और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और ये केस भी ठंडा पड़ गया। दोस्तों तीसरा नाम है एस श्रीसंत का। दोस्तों इनका केस काफ़ी फेमस है। श्रीसंत को IPL में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के और भी खिलाड़ी शामिल थे। लंबे समय तक जांच के बाद श्रीसंत को और अन्य खिलाड़ियों को दोषी पाया गया और सजा भी सुनाई गई और इनका क्रिकेट करियर भी समाप्त हो गया, क्योंकि दोषी साबित होने के बाद BCCI ने इन पर बैन लगा दिया था। दोस्तों अगला नाम है नवजोत सिंह सिद्धू का। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को आप भलीभांति जानते होंगे। सिद्धू को कपिल शर्मा शो में आपने जज की भूमिका में भी देखा होगा और पॉलिटिक्स में भी सक्रिय रहते हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने केस में 1 साल के लिए सजा मिली है। बात 27 दिसंबर 1988 की, जब नवजोत सिंह सिद्धू शाम को अपने दोस्त रूपेंद्र सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरवाले गेट की मार्केट गए थे। ये जगह उनके घर से बस 1.5 किलोमीटर दूर है। उस वक्त सिद्धू एक क्रिकेटर थे, उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू ही हुआ था। मार्केट में 65 साल के गुरनाम सिंह से पार्किंग को लेकर उनकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट में सिद्धू ने घुटना मारकर गुरनाम सिंह को गिरा दिया। बाद में जख्मी हालत में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। इस मामले में सिद्धू के खिलाफ पंजाब के पटियाला में FIR दर्ज हुई, फिर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। बाद में यह मामला फिर से रीओपन हुआ और फिर कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई। दोस्तों अब बात करते हैं सुरेश रैना की, जो इस वीडियो का आखिरी नाम है। दोस्तों सुरेश रैना काफ़ी सुलझे हुए शांत किस्म के इंसान हैं, लेकिन उन्हें भी पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। दोस्तों बात है कोरोना काल 2020 की, जब सुरेश रैना 2020 में कोरोना प्रोटोकॉल के बीच मुंबई में पार्टी करते हुए पकड़े गए थे। मुंबई पुलिस ने रैना समेत 34 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो दोस्तों ये थे भारतीय क्रिकेट के 5 बड़े नाम जिन्हें पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और इन खिलाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ये भी लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।